गाइस, हम अभी चाय पी रहे थे और अचानक से मौसम ऐसा चेंज हुआ, चारों तरफ एकदम हवा चल रही है खतरनाक। गुड इवनिंग गाइस, एक और कैंपिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज एक नई लोकेशन तो नहीं है, पर सेकंड टाइम यहाँ पर मैं इस लास्ट 3 मंथ में सेकंड टाइम यहाँ पर कैंपिंग कर रहा हूँ मैं, और साथ में आज अंकुर भाई। और अभी एक और भाई जिसकी वजह से हम आज लेट हुए, वो बंदा अभी आने वाला है, जैसे ही आएगा आपको मिलाएंगे उससे भी। तो आज की लोकेशन आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर। पिछली वीडियो में मैं गया था एक घने जंगल में, तो आज सीधे वहाँ से जंगल से सीधे पहाड़ी में आ चुका हूँ। तो चलो जल्दी से टेंट सेटअप करते हैं, और शाम भी होने जा रही है, चलो टेंट निकाल लेते हैं। तो यार यहाँ पे इतने ज़्यादा पत्थर है नीचे, रात को बहुत दिक्कत होती है सोने में, तो पहले करना पड़ेगा मुझे घास काटना पड़ेगा। घास काट के बिछाएंगे नीचे ताकि रात को कंफर्टेबली सो पाए हम। क्या क्या नहीं करना पड़ता कैंपिंग के लिए भाई। तो गाइस टेंट पिच हो चुका है, और यहाँ से व्यू देखिए सामने
इस साइड में पूरी पंचाजुली दिखती है, लेकिन अभी सोच के आए थे हम कि यहाँ पे दिखेगी शाम के टाइम पे, लेकिन बादल आ चुके हैं फिर से यहाँ पे चिपला केदार और सामने इस वाले एरिया में अपना गांव। और हम कहाँ से आए हैं बताऊँ आपको, तो इस सामने वाली पहाड़ी इसके जस्ट पीछे से। तो गाइस टेंट लग चुका है, आज का अपना प्लान है, बारिश हो नहीं रही है पिछले कुछ दिनों से, तो आज हम बॉनफायर जलाने की सोच रहे हैं। तो आसपास हम घर से भी लेके आए हैं कुछ लकड़ियाँ सूखी हुई, और आसपास में देखेंगे कहीं पे लकड़ियाँ मिलेंगी, तो आज मस्त से एकदम बॉनफायर करके, और शाम के टाइम शाम हो ही रही है तो अभी जितना कि चाय बनाई जाए, चाय बनाएंगे ये सोच रहे हैं, देखते हैं बस लकड़ियाँ मिल जाए थोड़ी बहुत। यहाँ पर मस्त से पत्थर वत्थर इकट्ठा करके आग लाते हैं पहले। चारों तरफ पत्थर लगा देंगे जिससे हवा रुक जाएगी और हमारी जो वन फायर जलेगी वो मस्त से। पत्थर भी पास में मिल रहे, एक बार इनको लगा लेते हैं पूरा। ये बन चुका है आग जलाने के लिए मस्त सा घेरा, इसके अंदर आग जलाएंगे तो हवा नहीं चलेगी। चलो हमारे पास आग जलाने के लिए भी पाइन वुड की लकड़ी है, एकदम जल जाती है। पिछले कुछ टाइम से यार बॉन फायर की लास्ट टाइम शायद से 3 महीने लग हो गए होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। पिछली बार किया था बारिश में लेकिन वो जल नहीं पाए थे अच्छे से, तो इस बारी बढ़िया से आग लाएंगे और बॉन फायर के मज़े लेंगे आज मस्त से। चलो चाय का सामान एक बारी रखते हैं यहाँ पे, और पीछे बादल के गरजने की आवाज़ आ रही है और मौसम भी बना हुआ है बारिश का। हमारा अभी तीसरा वाला पार्टनर नहीं आया, लगता आज धोखा देगा वो, लग रहा है मुझे। बहुत से लोग समझ गए होंगे कौन हो सकता है तीसरा।
चीनी कितना डालूं? नॉर्मली ठीक ठाक डाल दूँ, एवरेज साइड से हो जाए। तो गाइस चाय उबल चुकी है, अब अंधेरा भी हो चुका है एकदम, क्योंकि बादल आ चुके हैं पूरे स्काई पे, तो जिसकी वजह से अभी तो टाइम इतना है नहीं कि अंधेरा हो जाए इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि अंधेरा हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट अभी बची है, तो तब तक पी लेते हैं चाय, परफेक्ट टाइम है चाय पीने का। चलो, ओ भाई लाइटनिंग भी हो रही है, इसको कर लेते हैं अपन। तो लगता नहीं कि हमारा तीसरा पार्टनर आएगा, तो हम ही पी लेते हैं बस दो कप में ही चाय, थोड़ी बहुत बचाई लेते हैं, क्या पता आ गया बीच में। चलो हाँ, कैसी चाय? बिल्कुल। और मौसम अभी बड़ा डेंजर बन रखा है, इस साइड को तो खतरनाक बादल आ चुके हैं, हमारे जो प्लान है उस पर पानी ना फिर जाए। जब तक आग जल ले तब तक तो मजे ले लेते हैं, उसके बाद देखी जाएगी। तो गाइज हम अभी चाय पी रहे थे और अचानक से मौसम ऐसा चेंज हुआ, चारों तरफ एकदम हवा चल रही है खतरनाक, और धुंध देख सकते हैं आप भाई साहब, पूरी धुंध आ चुकी है, पूरा फॉग और बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब इस बात का डर है कि कहीं टेंट ना उड़े, क्योंकि स्टॉप पे बहुत खतरनाक हवा चल रही है, अगर एक बारी वो स्टॉर्म आ गया ना, मतलब खतरनाक वाला तूफान, ओहो हो भाई ये क्या है, पूरा ढक चुका है एकदम से, अब अंदर जाना पड़ेगा लग रहा है, हवा चल रही है खतरनाक। अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है और अपने पास कुछ लकड़ियां हैं, इसको अंदर कर लेते हैं यार, बाद में बाद क्या पता मौसम सही हुआ तो काम आएंगी, और ये आग तो बुझी, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अचानक से यार मौसम ही चेंज हो गया पूरी तरह से, अब पता नहीं क्या होगा। इन लकड़ियों को भी बता सकते हैं अभी हम, टेंट अगर ये लकड़ियाँ अंदर रखी तो टेंट पूरा चल जाएगा। चलो और तो कुछ नहीं, ट्राईपॉड है अपना, ट्राईपॉड भी अंदर कर लेते हैं। अंदर घुसते हैं, तो गाइस टाइम हो रहा है 10:50, अभी तक वेट कर रहे थे बारिश बंद होगी, बाहर पे जाके मस्त से आग आग जलाएंगे, कुकिंग करेंगे, लेकिन भाई बारिश बार बार मतलब बार बार हो रही है, फिर बंद हो रही है, तो अब अंदर ही कुकिंग करना पड़ेगा अपने को। तो पहले चावल बनाते हैं, निकाल लेते हैं इसको, बार बार डिसीजन चेंज करना पड़ रहा आज।
तो गाइस अब जाके थोड़ी बारिश बन हुई है, अब फिर से हम ट्राई करेंगे आग जलाने की। वैसे पूरी लकड़ियाँ भीग चुकी हैं बट हमने कुछ लकड़ियाँ अंदर सेव कर ली हैं, देखते हैं ये थोड़े सूखे होंगे, अब फिर से ट्राई करते हैं आग जलाने की। और टाइम 11 बज गए रात के, अपने पास जलाने के लिए भी है वैसे, एक फिर भी देखते हैं ट्राई करते हैं। एक माचिस तो भीग भी गई अच्छे से, चलो गाइस अब चावल बनाते हैं। अब बारिश बंद हो चुकी है तो जो सूखी लकड़ियाँ थी उससे आग जला ली हमने, अब बढ़िया से चावल और चिकन बनाते हैं। और अब तो रात हो ही गई ज़्यादा ही, तो आराम से ही बनाते हैं अब। तो गाइस जब तक चावल बन रहे हैं तब तक प्याज टमाटर और मिर्ची उर्ची काट लेते हैं। अब लग रही ठंड में, लगती ना बहुत ज़्यादा क्योंकि हवा पड़ रही है ठंडी। और यहाँ पे चावल बन रहे हैं, और चिकन कैसा बनाया आज, ग्रेवी या फिर ड्राई वाला? क्योंकि चावल खाने हैं, ग्रेवी वाला बनाना पड़ेगा। रात के 12 बजे, पर हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमारे पास अभी लकड़ियाँ ठीक ठाक मतलब सूखी हैं, आग जलती रहेगी जब तक हम खाना बनाएंगे तब तक। चलो अब थोड़ा चिकन को भी मतलब काट लेते हैं ताकि अंदर तक पके अच्छे से। चलो और यहाँ अपना चावल ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक दो मिनट और पकाना पड़ेगा इसको, और फिर बनाते हैं चिकन। इसको ढकना पड़ेगा थोड़ी देर। चावल बन चुके हैं, अब बनाते हैं चिकन।
मिर्ची डाल लेते हैं और साथ में चलो टमाटर भी डाल लेते हैं। चलो थोड़े मसाले डाल लिए जाए, हल्दी, मिर्च ऑलरेडी है इसमें तो थोड़ा कम डालेंगे मिर्च, और थोड़ा गरम मसाला, ढक्कन ना खुल जाए पूरा का पूरा, बस नमक का निकलना चाहिए, और चिकन मसाला भी डाल देते हैं। चलो अब डालते हैं चिकन, अलग टाइप का आज बन रहा चिकन, इसको साथ में डाल देते हैं। अब शायद इसमें आएगा कि नहीं, थोड़ी दिक्कत होने वाली है। बस चिकन बनने की देरी है फिर तो। तो गाइस चिकन भी बन चुका है, गैस कर देते हैं बंद, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा बोलते 12:30 रात के, हद से ज़्यादा। अब निकालते हैं फटाफट खाना है क्योंकि बारिश भी होने वाली है अभी, क्योंकि बूंदाबांदी होंगे। चम्मच कहाँ पे था, कहीं पे होगा अंदर ही, क्या अंदर हो सकता है, वहीं पे देखना कहीं पे था आसपास। वो देना है यहाँ से चॉपिंग बोर्ड, इसमें ढक के रखना पड़ेगा वरना कीड़े वीड़े काम कर जाएंगे। तो काफ़ी टाइम बाद आग के पास बैठ के खाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस डिनर हो चुका है और अब देख सकते हैं आग भी बुझी चुकी है ऑलमोस्ट, लकड़ियाँ सारी ख़त्म। अब जा रहे हैं हम सोने, तो रात के लगभग 1 बज रहे हैं, हमारा डिनर कंप्लीट हुआ है, तो अभी चलते हैं सोते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में। सो गुड नाइट, चलते हैं। हम लग गए गाइस, ठंड बहुत है गाइस यहाँ पे, इतनी ठंड है कि लग रहा है विंटर कैंपिंग चल रही है अपनी। और अपने पास एक ही स्लीपिंग बैग है, इसमें घुसना पड़ेगा, मतलब इसी को ओढ़ना पड़ेगा और हम सो जाते हैं। चलो टेंट क्लोज करते हैं और सो जाते हैं। लाइट बंद कर दो, एक मिनट है इसको। गुड नाइट गाइस, ये वाली लाइट पहले बंद करनी पड़ेगी, इसको अंदर ले लेते हैं लाइट को, बाद में चाहिए रहेगा। बंद ही करो ते पे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है, सुबह क्या मतलब अब तो 8 बजने वाले हैं सुबह के। और बाहर दिखाएं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं एक बारी आपको, पूरा वाइट वाइट चारों तरफ। और कल हमने यहाँ पे आग जलाई थी रात को, अभी भी शायद इसमें आग होगी क्योंकि उसके बाद बारिश हुई नहीं। और यहाँ पे था अपना टेंट पिच, तो सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, सामने से कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और यहाँ पे अपना टेंट, यहाँ से फ़िलहाल अपना प्लान है पैकअप करने का। आज चाय वाय कुछ नहीं बनेगी, अब घर जाके पियेंगे सीधे चाय। और तो चलो इस वीडियो को एंड करते थे यहीं पे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कैंपिंग वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और साथ ही हमारे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और उस पर जल्दी वीडियोज़ भी आने स्टार्ट होंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को करते हैं एंड, और अब करते हैं पैकिंग और फिर चलते हैं।